जी क्या कहेंगे, जिस तरह से लक्ष्मी मैडम का नाम सुनते ही पीटीएस को याद आता है, तो ऐसे मैडम का रिटायरमेंट है, तो आपका क्या अनुभव और क्या कहना चाहेंगे? लक्ष्मी मैडम का कल जो रिटायरमेंट है उसके बारे में तो बहुत सारा दुख भी होता है, लेकिन 33 साल उन्होंने अपने स्कूल के लिए, पीटीआई स्कूल और हमारा पद्मशाली समाज बांधवों के लिए जो योगदान दिया है उसके लिए हम खुशी भी व्यक्त करता हूँ। और मेरे बैच 92-93 और हमारा शारदा एजुकेशन सोसाइटी के तरफ से मैं उन्हें खूब सारे शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। सर कैसा अनुभव रहा, जिस तरह से लक्ष्मी मैडम जो है कहते हैं पीटीआई स्कूल आता है, तो पीटीआई स्कूल के अंदर आप स्टूडेंट थे, क्या अनुभव रहा सर? सर अगर पीटीआई स्कूल नहीं रहता तो आज अपने पद्मशाली तेलुगु पद्मशाली समाज का स्कूल है वो, अगर वो स्कूल उस टाइम पे नहीं रहता तो शायद अपने इतने हज़ारों के तादाद में 7th के बाद में अपने को कोई जरिया नहीं था, कल एक पीटीए स्कूल ही जरिया था। इसके लिए हम लोग आगे एजुकेशन बढ़ा पाए, एजुकेशन हम लोग ले पाए। कहीं ना कहीं मालूम पड़ा कि तेलुगु अगर पढ़ाई कोई पढ़ाया है वो तो लक्ष्मी मैडम ने, तो कैसा क्या कहना चाहिए सर? ओवरऑल भिवंडी में सेकेंडरी सेक्शन में अगर तेलुगु पीरियड है, अगर तेलुगु स्कूल है, तेलुगु पढ़ाया गया तो ओनली फॉर ओनली लक्ष्मी मैडम जी। और मैंने सुना कि उस टाइम पे पीटीए स्कूल में जब लक्ष्मी मैडम आई कि 84-85 में, तो पीटीए स्कूल में स्ट्रेंथ उतना कुछ नहीं था, खाली गिना चुना स्टूडेंट था। जब से लक्ष्मी मैडम आई वो स्कूल में लक्ष्मी खला आई और साक्षात सरस्वती देवी बैठी है, उसके बाद से हज़ारों स्टूडेंट का उसमें एडमिशन हुआ है, हज़ारों स्टूडेंट उसमें एजुकेशन ले पाया, आज अच्छे अच्छे क्षेत्र में वो स्टूडेंट्स आज है। तो कहीं ना कहीं वो अभी उनका रिटायरमेंट तक आ गया, 36 साल का उनका सेवा पूरा कर हो गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके मन, उनके क्या कामना करेंगे उनके भविष्य के लिए? आज उनके एज का, उनका लाइफ का आधे से ज़्यादा उम्र उसने अपने पीटीआई स्कूल में दिया है, तो आगे उनका भविष्य मतलब इससे अच्छा हो और ऐसे ही बहुत अच्छा हो, इस ऐसा हमें अपने तेलुगु पद्मशाली समाज के सभी हमारे साथी, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे 92-93 बैच के तरफ से उन्हें खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। सर उनका कार्यक्रम में कितने मतलब आपके जो विद्यार्थी, आपके जो मित्रगण हैं, कितने तक पहुँचने की आशंका है? हमारे पूरे बैच के हम सब लोग आने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग मतलब हैदराबाद है, कुछ लोग गांव में है, वो लोग भी आ रहे कल। तो आप अगर कोई कुछ आपके मित्र नहीं आए तो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको शुभकामनाएं देने का आह्वान करेंगे? 100% हम हमारे 92-93 के बैच के हर एक 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 स्टूडेंट के तरफ से, एक एक मेरे मित्र के तरफ से, उनके तरफ से, मैं सबके तरफ से मैं खुद मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हज़ारों स्टूडेंट्स हैं पीटीए स्कूल के, अगर कोई कल नहीं आ पाए, कोई अपने काम के वजह से, कोई मतलब इधर नहीं है, तो सोशल मीडिया के तरफ से वो अपना मनोभावना व्यक्त कर सकते। मैं मेरे तरफ से और मेरे परिवार के तरफ से, शारदा एजुकेशन के तरफ से, सभी के तरफ से लक्ष्मी मैडम को खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ।